मामला नई मंडी कोतवाली इलाके के गौशाला रोड का है, जहां 7 दिन पूर्व हथियारबंद बदमाशों ने गुड़ व्यापारी नंद किशोर के घर पर धावा बोलते हुए परिवार को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों की बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी थी। शनिवार को नई मंडी कोतवाली पुलिस और एसटीएफ नोएडा यूनिट टीम ने संयुक्त पुलिस मुठभेड़ की कार्रवाई में 6 आरोपी सुशांत, तुषार, परवीन, सोनू, शाहरुख व दीपक को पुलिस ने 3 तमंचे, 1 सेंट्रो कार, 12 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि 8 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो गुड़ व्यापारी नंद किशोर गोयल के घर पर ड्राइवर का काम करने वाले तुषार कश्यप ने ही अपने दोस्तों से मिलकर मालिक के घर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाया था, जिसका पुलिस ने ड्राइवर सहित उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया। बहरहाल पुलिस टीम ने शातिर बदमाशों से पूछताछ करने के बाद सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया, तो वहीं पुलिस अभी फरार बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बदमाशों के खिलाफ लूट डकैती के गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, दिल्ली में 34 के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये आप सभी लोगों को बताना है कि कुछ दिन पहले ही मंडी में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी के घर कुछ लोग घुस गए थे और कुछ पैसा लूट के ले गए थे। उसी संबंध में आज हमारी जो संयुक्त टीम थी एसटीएफ की और थाना नई मंडी पुलिस की, उन्होंने इसका सफल अनावरण किया है। इसमें हमने जो घटना में लोग शामिल थे उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 12 लाख रुपये, 3 गले के हार, 2 अंगूठी और 4 पीस जो कानों के टॉप्स हैं वो मिले हैं, और साथ ही में जो घटना में जो सेंट्रो प्रयोग हुई थी और एक पल्सर प्रयोग हुई थी वो भी मिली है। और इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये सभी लोग अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये मिले थे और घटना इन्होंने कारित की। और ये भी जानकारी में आया है कि जो व्यापारी है उनका ड्राइवर है, उसने ये सूचना दी थी कि इनके यहाँ पैसे का लेन देन का कुछ काम है, उसमें हिसाब से इन्होंने घटना प्लानिंग की और घटना की। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें सुशांत उर्फ लंबू दिल्ली का रहने वाला है, तुषार जो इनका ड्राइवर है वो यहीं का रहने वाला है, प्रवीण पाल गाजियाबाद का, सोनू पुत्र प्रवेश ये इटावा का रहने वाला है, शाहरुख पठान और दीपक त्यागी बड़ौत बागपत का रहने वाला है, और शाहरुख पठान बुढ़ाना यहीं का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर। सर, परिवार ने क्या बताया था, उनके कितने की डकैती? 15 लाख उन्होंने बताए थे और 5 नेकलेसेस बताए थे और कुछ और छोटे मोटे जो अंगूठी वगैरह वो हैं, तो 3 नेकलेसेस हमको मिले हैं, 2 अभी भी। रिकवरी 12 लाख रुपये। सर, कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया? ये आज चेकिंग के दौरान हमको मिले थे, क्योंकि ये हो सकता है जो इनके बाकी साथी हैं उनसे मिलने आए हों, संभवतः उसी के संबंध में। सर, क्या और कोई साथी भी हैं? हाँ, इनके और साथी हैं, अभी 8 लोग और हैं इनकी जो प्लानिंग में शामिल थे। घटना में शायद हो या ना हो, लेकिन ये प्लानिंग में जरूर। सर, पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है? पहले भी इन पर मुकदमे दर्ज, दिल्ली में भी और बागपत में भी और गाजियाबाद, इटावा में।